नमस्कार दोस्तों, और आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट सेकंड होगा। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर हमने बातें किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों उसमें हमारा एक नाम ये भी था, वो था वॉयस। तो दोस्तों वॉयस क्या होता है, तो हम लोग डिफिनेशन से बात करेंगे वॉयस का, कि वॉयस कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जो वॉयस होता है दोस्तों वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। और ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में हमने क्या आपको बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी एक दिए गए सेंटेंस को क्या करते हैं, दूसरे पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, जहां पर उसका मीनिंग कॉन्स्टेंट रहता है या स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन देखने को हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों वॉयस भी एक ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जिसमें हमको ये पता चलता है कि जो एक्शन है, ठीक है, या तो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है या तो ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो वॉयस को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वॉयस इज ए पार्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी फाइंड दैट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस एंजॉय द एक्शंस इटसेल्फ डन बाय समवन एल्स। और जो सब्जेक्ट जो एक्शन को एंजॉय कर रहा है, जो उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, वह वर्ब का फॉर्म ऐसा वॉयस कहलाता है। अब इसलिए हमको यह पता करना है कि यदि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा, ठीक है, यदि वह एक्शन को परफॉर्म करने में यदि हमारा सब्जेक्ट डोमिनेंट है, यदि सब्जेक्ट प्रभावी है, ठीक है, तो वह वाले वॉयस को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉयस। यानी ए सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉयस इफ द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस में यदि एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है या सब्जेक्ट उस सेंटेंस में डोमिनेंट रोल को प्ले कर रहा है तो वह हमारा कहलाएगा एक्टिव वॉयस। और पैसिव वॉयस में दोस्तों क्या होता है, हमको देखने को मिलता है कि यदि किसी सेंटेंस में जो डोमिनेंट पार्ट है, जो एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस में जो डोमिनेंट रोल कर रहा है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का है, तो इसको हम लोग कहेंगे वो है हमारा पैसिव। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो वॉयस होता है वह दो तरह के हमको देखने को मिला, एक है हमारा एक्टिव वॉयस और दूसरा है दोस्तों हमारा पैसिव वॉयस, ठीक है, पैसिव वॉयस, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉयस में सब्जेक्ट कोई एक्शंस को परफॉर्म करेगा, और जब भी ये एक्टिव और पैसिव वॉयस की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो फॉर्म भर को देखने को मिलता है वो फॉर्म का फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भर होना चाहिए, क्योंकि वॉयस हम जब भी बात करेंगे तो हमें ट्रांजिटिव भर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो एक्टिव वॉयस में क्या होगा कि सब्जेक्ट कोई एक्शंस को परफॉर्म करेगा, और जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो एक एक्शनल वर्ड यानी कि वर्ब होगा, और वह वर्ब कैसा होना चाहिए, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की यदि बात हम करें कि दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो ये समझना हमारे इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई भी वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है दोस्तों, ठीक है, तो वह वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू टू द पावर टी से, ठीक है। कोई भी हमारा जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो वह ऑब्जेक्ट जो अति वर्ब लेता है तो वह वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं यू टू द पावर टी से। अब एक सवाल उठता है कि सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा होता है दोस्तों जो मेन वर्ब की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस में, व्हाट और हुम का जवाब दे दे, वह वर्ड द वर्ड इन ए सेंटेंस
that replies what or whom in the presence of a main verb is called an object. सेंटेंस का वह वर्ड जो मेन वर्ब की उपस्थिति में व्हाट और हुम का जवाब देता है दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वह वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हम लोग ये कहते हैं, एक एग्जांपल पर की बात करते हैं, जैसे दे ऑफर मी अ गुड जॉब, उन लोगों ने मुझे एक अच्छा जॉब ऑफर किया। तो अब हमारे पास सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं। एक तो पहले दे है, तो दे तो हमारा एक्शन कर रहा है, और एक्शन कर रहा है तो ये तो भाई एक्शन करने वाले वर्ड सेंटेंस में क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं द वर्ड दैट परफॉर्म समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑफर ये तो एक्शन कर रहा है, ऑफर किया है, क्या किया है? स्वीट्स, चॉकलेट्स, ओल्ड वाटर, ड्रिंक्स, नो, ए गुड जॉब। तो ये जो गुड जॉब रिप्लाई दे रहा है, किसका जवाब दे रहा है? वाटर या हुंगा? तो ये हमारा क्या है? समथिंग, ये होगा कंडीशन हमारा संबंधित। तो क्या वे लोगों ने ऑफर किया है? गुड जॉब, यानी ये गुड जॉब हमारा सेंटेंस में क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक और वर्ड है, मी, ये लोगों ने मुझे एक अच्छा जॉब ऑफर किया है। तो किसे किसे ऑफर किया है? उन लोगों ने किसे एक अच्छा जॉब किया है? हुम, तो मुझे उनका जवाब मिल रहा है। तो यानी मी भी मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन व्हाट का जवाब मिल रहा है? उनका, उनका। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे सी गोज विद मी, द ओल्ड पीपल, चलिए, ओल्ड पीपल मूव स्लो। अब इसमें से जो ओल्ड पीपल है, ये तो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो जो ओल्ड पीपल है धीरे धीरे वॉक करते हैं। अब सवाल पूछिए, ओल्ड पीपल क्या करते हैं जी? मूव कर रहे हैं, मूव करते हैं, ये तो घट होता है। तो जो एक्शन कर रहे हैं, इस एक्शन का किसी पर प्रभाव पड़ रहा है? क्या करते हैं? मूव करते हैं, ये तो एक्शन हो रहा है। तो इस जो वर्ब है मूव करने का, किसे करते हैं? ये तो जवाब मिल रहा है हमें किसका? कि वे लोग वॉक करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्या वॉक करते हैं? ओल्ड पीपल क्या वॉक करते हैं? क्या वॉक करते हैं, ये लग रहा है सेंटेंस हिंदी का भी इंटरेक्ट है। यानी इस मूव के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि हमें सवाल का जवाब मिलना चाहिए था, और वो है हमारा इंटरोगेटिव वर्ड वाटर। तो उनका जवाब मिल रहा है। ओल्ड पीपल किसे मूव करते हैं? ओल्ड पीपल क्या मूव करते हैं? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये मेरा एग्जांपल। तो ये जो सेंटेंस जिसके बाद ना तो व्हाट और हुम का जवाब आया, तो ऐसे वर्ब को हम लोग कहते हैं दोस्तों इंट्रांजिटिव। द वर्ब दैट डज नॉट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको डिनोट करते हैं टू द पावर आईएनजी। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें समझना है एक्टिव को, आपने समझ लिया, यानी सब्जेक्ट हमारा इसमें डोमिनेंट पार्ट होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारा डोमिनेंट होगा, ये चीजें समझना है। हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी, ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमें यदि इन सारे चीज को समझ सके हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंस बेस्ड सेंटेंस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेंस बेस्ड सेंटेंस क्या होता है ये जानना जरूरी है।